नमस्कार, मैं प्रिया। आज 8 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय नौसेना में मैट्रिक रिक्रूट भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। जनता दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ तय। 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर पूर्वी चंपारण का यह इलाका बना मिसाल। अब इस फॉर्मूले के तहत स्कूल जाएंगे विद्यार्थी। मोदी के कैबिनेट के विस्तार में बिहार के इन चेहरों को मिली जगह। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय नौसेना में मैट्रिक रिक्रूट भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। भारतीय नौसेना में मैट्रिक रिक्रूट की तैयारी में लगे उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2021 में शुरू होने वाले मैट्रिक रिक्रूट की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत सेलर एमआर के कुल मिलाकर 350 रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। इन रिक्तियों में राज्यों के अनुसार संख्या निर्धारित है। भारतीय नौसेना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 350 रिक्तियों के लिए आवेदन के विवरणों के आधार पर 1750 उम्मीदवार को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाना है। इंडियन नेवी में सेलर मैट्रिक रिक्रूट के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार AA 150 और SSR 02/2021 के ऑनलाइन आवेदन नेवी भर्ती पोर्टल joinindiannavy.gov.in पर एक्टिव किए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। बिहार में इथेनॉल के बाद अब टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम होगा शुरू। बिहार के उद्योग मंत्री बीते दिन राजधानी पटना पहुंच गए हैं, जहां पहुंचते उन्होंने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में जहां हमारी यह कोशिश है कि इथेनॉल के उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, वहीं अब टेक्सटाइल पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए बिहार में काम जारी है। इथेनॉल पॉलिसी के तहत अब तक 30,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। वहीं अब टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत भी निवेशक को बिहार में बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पर निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि एक बेहतरीन मुख्यमंत्री बिहार के पास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास केंद्र और राज्य दोनों का अनुभव है। बिहार के विभिन्न जिलों में ऐसा रहेगा मौसम का हाल। उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज की बात करें तो 8 जुलाई को ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां वज्रपात और गरज के साथ बिजली और तेज बारिश होने के आसार है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में आज लगभग सभी जगहों पर तेज बारिश होने के आसार है। वहीं उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले के कुछ जगहों पर आने वाले 3 दिनों तक वज्रपात गरज के साथ बिजली और तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ जगह पर आज तेज बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय और दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में आज कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके लिए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ तय। 12 जुलाई से मुख्यमंत्री की जनता दरबार का आयोजन होने वाला है। हालांकि इस दौरान कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए कई नए नियम कानून जारी किए गए हैं, जिसके तहत यह कार्यक्रम महीने के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को आयोजित किया जाएगा, जहां लोग मुख्यमंत्री जी से समस्या की शिकायत कर सकेंगे। इसके साथ ही लोगों से गुजारिश की गई है कि अपनी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए www.jkdmm.bis.nic.in से ऐप को डाउनलोड कर शिकायत दर्ज करवाना होगा। यह दरबार सीएम सचिवालय 4KG परिसर में लगाया जाएगा। साथ ही जिन लोगों को दरबार में आने की अनुमति दी जाएगी, उन्हें पहले सूचित किया जाएगा और निर्धारित तारीख से पहले सभी कर्मियों का RT-PCR टेस्ट भी करवाया जाएगा, जिसके बाद अब इस फॉर्मूले के तहत स्कूल जाएंगे विद्यार्थी। कोरोना की रफ्तार धीमी होने के साथ ही बिहार में स्कूल कॉलेज खोलने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत ही अब बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से 12 जुलाई से स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए फिलहाल पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। हालांकि इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करना भी बेहद जरूरी है, ताकि स्कूल आने वाले छात्रों और शिक्षकों को संक्रमण से बचाया जा सके, जिसके तहत एक कक्षा में एक साथ 10 विद्यार्थी से अधिक नहीं बैठेंगे। विद्यार्थी के बीच 6 फीट की दूरी कक्षा में रखी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि स्कूल में विद्यार्थियों के बीच दूरी रखी जाए, इसके लिए ऑड इवन रोल नंबर के अनुसार छात्र बुलाए जाएंगे। स्कूल खोलने के समय सारे मुख्य द्वार खोल दिए जाएंगे, तो वहीं छुट्टी के समय अलग अलग गेट से विद्यार्थी स्कूल से बाहर आएंगे। ये सारी व्यवस्था स्कूल द्वारा की जाएगी। UIDAI ने बंद की आधार से जुड़ी 2 सेवाएं।
प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक माना जाता है। इस दस्तावेज की मदद से किसी भी वित्तीय लेनदेन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार बेहद जरूरी है। वहीं अब UIDAI ने दो बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिसके तहत UIDAI ने एड्रेस वैलिडेशन लेटर के जरिए आधार अपडेट करने की सुविधा को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। UIDAI की वेबसाइट से एड्रेस वैलिडेशन लेटर से जुड़ा विकल्प हट गया है। इसके साथ ही पुराने स्टाइल वाला लंबा चौड़ा आधार कार्ड रिप्रिंट करने की सेवा को भी बंद कर दिया गया है। ऑडिटर के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा की नई तारीख की हुई घोषणा। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते दिन पंचायती राज विभाग में ऑडिटर के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी है, जिसके तहत अब यह परीक्षा 29 अगस्त से दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे के बीच आयोजित की जाएगी, जो कि बिहार से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में आयोजित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इससे पहले यह परीक्षा 25 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ज्ञात हो इस परीक्षा के लिए 26,000 से अधिक ने आवेदन किया है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए 373 पदों पर ऑडिटर की भर्ती होनी है। मगध में निर्धारित सीटों की तुलना में हुआ दोगुना आवेदन। मगध विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेज में मौजूदा सीटों की तुलना में दोगुना से अधिक आवेदन आ रहे हैं। इसके बाद पीजी की पढ़ाई का ख्वाब पाल रहे सभी स्टूडेंट की कवायद सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मगध यूनिवर्सिटी के 26 पीजी विभाग के अलावा गया कॉलेज, गया जेजे कॉलेज, गया एसएस कॉलेज जहानाबाद और एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में पीजी की पढ़ाई होती है। वहीं इस बाबत यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू आरपीएस चौहान का कहना है कि मेरिट बेसिस पर ही विद्यार्थियों को नामांकन का पहला मौका दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से एमयू के विकास का काम काफी प्रभावित हुआ है। सीटों की वृद्धि के लिए सरकार से मांग की गई है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ का किया हवाई सर्वेक्षण। बिहार के आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के कारण बिहार के कई नदियां उफान पर है, जिसके कारण बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालांकि बिहार में आई बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं, जिसके तहत ही बीते दिन लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां सीएम ने दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर का हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले वो चंपारण इलाके का सर्वेक्षण कर चुके हैं। आपको बता दें, बिहार में इस बार बारिश से नेपाल के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ आई हुई है। नेपाल से सटे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेतिया और मोतिहारी में भयावह स्थिति है। इन जिलों में आपदा विभाग ने एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी है। बताया जा रहा है कि नेपाल में अधिक पानी होने के कारण इन जिलों की नदियां रेड लाइन से ऊपर बह रही हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे ऋचा सोनी की। ऋचा सोनी का जन्म आज ही के दिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। ऋचा सोनी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। उन्होंने शरारत से डेब्यू किया था। वो रंग के डेली सोप भाग्य विधाता में अपनी भूमिका बिंदिया के लिए जानी जाती हैं। वो नचले विद सरोज खान सीजन 2, बदलते रिश्ते की दास्तान, जमुनिया, जाट की जुगनी, हम नवाज, आधा फुल, सिया के राम और मुस्कान जैसे शो में भी वो नजर आ चुकी हैं। उन्होंने द साइलेंट स्टैचू कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित जैसी लघु फिल्मों में भी काम किया है और उन्होंने द्वितीय झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में लघु फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता है। 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर पूर्वी चंपारण का यह इलाका बना मिसाल। बिहार में जहां एक तरफ टीके की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड को देश की शान बताया है, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और जनप्रतिनिधियों की मदद से बनकटवा प्रखंड में 100% कोरोना टीकाकरण करना संभव हो पाया है। यह प्रमाणित करता है कि ठान लो तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। वहीं इस उपलब्धि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सभी जिलों को इस तरह काम करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बनकटवा प्रखंड कोरोना का 100% टीकाकरण कर बिहार का पहला प्रखंड बन गया है। अब भारत में बनना शुरू हुई स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन। रूस से आई स्पुतनिक वी वैक्सीन को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर कारगर बताया गया है। साथ ही संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन के इस्तेमाल की तैयारी हो रही है। इसी बीच अब भारत के लिए एक और राहत की खबर सामने आई है, जिसके तहत अब भारत में भी स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण की शुरुआत होने वाली है। फार्मा प्रमुख मोरपेन लैबोरेटरीज ने हिमाचल प्रदेश में रूसी स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन के परीक्षण बैच का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी ने यह जानकारी दी है। वैक्सीन की पहली खेप गुणवत्ता नियंत्रण के लिए रूस के गामालिया सेंटर से भेजी जाएगी। ज्ञात हो अप्रैल में भारत में आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई थी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए लॉन्च किया जाने वाला यह तीसरा वैक्सीन था। बिहार में
कोसी बागमती खतरे के निशान से पहुंची ऊपर। कोसी और बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बाबत डीएम ने सभी लोगों को सजग रहने की अपील की है। केंद्रीय जल आयोग कोसी उपमंडल बेगूसराय की तरफ से बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार कोसी अभी भी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 93 सेंटीमीटर ऊपर है। कोसी के जलस्तर में बीते 24 घंटे के दौरान 12 सेंटीमीटर की कमी आई है। कोसी की टेंडेंसी घटने की है। वहीं बागमती स्थिर है, लेकिन खगड़िया के संतोष स्लुइस के पास खतरे के निशान से 1.82 मीटर ऊपर है। स्थिर रहने के बाद बागमती के जलस्तर में कमी आने की संभावना है। कैबिनेट विस्तार के दौरान 12 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। बीते दिन मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया, जिसमें कई नए मंत्री शामिल हुए हैं। हालांकि जिन मंत्रियों के कार्यकाल से आलाकमान खुश नहीं थे और अन्य कारणों के कारण 12 मंत्रियों ने बीते दिन अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से आई जानकारी के अनुसार थावरचंद गहलोत, डॉ हर्षवर्धन, बाबुल सुप्रियो, राव साहेब दानवे पाटिल, देवोश्री चौधरी, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, संजय धोत्रे, रतन लाल कटारिया, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। ललन सिंह को मंत्री नहीं बनाए जाने पर राजद ने कसा तंज। जदयू नेता ललन सिंह को कैबिनेट में जगह दिए जाने की चर्चा जोर शोर से हो रही थी, लेकिन ऐन मौके पर मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए जाने पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है, जिसके तहत अब इस मुद्दे को राजद ने उछालना शुरू कर दिया है। जिसके तहत राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना साफ दर्शाता है कि पार्टी के अंदर भारी गुटबाजी चल रही है। उन्होंने कहा कि पहले से यह कयास लगाए जा रहे थे कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें ललन सिंह का शामिल होना तय है, लेकिन जिस तरह से उनको किनारे किया गया उससे साफ पता चलता है कि अंदर खाने सब ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल में जगह भले मिल गई हो, लेकिन अब तय है कि जदयू में टूट फूट होगी, जदयू तहस नहस हो जाएगी। से मुलाकात के बाद बोले मदन मोहन झा। बीते दिन अचानक से मदन मोहन झा दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार कांग्रेस अब टूट की कगार पर है। ऐसे में कांग्रेस को बचाने के लिए मदन मोहन झा दिल्ली रवाना हुए हैं। हालांकि मदन मोहन झा ने ऐसे किसी भी संभावनाओं से इनकार किया था, जिसके बाद बीते दिन फिर से मदन मोहन झा ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक हो गई है। बैठक में संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए इस बात पर चर्चा हुई है। संगठन को और धारदार बनाने पर भी मंथन हुआ है। बिहार में पार्टी एकजुट है। सभी 19 विधायक एवं 4 विधान पार्षद पार्टी में ही रहेंगे। सभी नेताओं ने राहुल गांधी को स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, पार्टी में हम खुश हैं। बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना के बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 104 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1182 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 12, अरवल में 5, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 1, भोजपुर में 1, दरभंगा में 3, ईस्ट चंपारण में 1, गया में 2, जमुई में 1, खगड़िया में 2, किशनगंज में 10, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 2, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 6, नालंदा में 1, पटना में 11, पूर्णिया में 6, रोहतास में 3, समस्तीपुर में 13, सारण में 4, शेखपुरा में 1, सिवान में 3, सुपौल में 3, वैशाली में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इसके सैंपल बिहार के जिले में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,25,115 सैंपल की जाँच की गई है, जिसके बाद कुल मिलाकर 182 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के इन चेहरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीते दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 43 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। बिहार के 4 मंत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसके तहत लोजपा के अध्यक्ष और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया, गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया है। इसके साथ ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को स्टील मंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं आरके सिंह को मिनिस्टर ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पशुपति पारस के खिलाफ चिराग ने खटखटाया पटना हाईकोर्ट का दरवाजा। दो धरों में बटी लोजपा में आने वाला समय और ज्यादा भारी होने वाला है, क्योंकि लोजपा की तरफ से चिराग पासवान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कैबिनेट विस्तार में पशुपति पारस को जगह मिली तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जिसके बाद बीते दिन लोजपा की तरफ से पशुपति पारस के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात पर मुहर लगने के बाद चिराग पासवान ने हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसके तहत उन्होंने पशुपति पारस को लोजपा संसदीय दल का नेता मानने के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने एक के बाद कई ट्वीट किए। कुशवाहा ने
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात से किया इनकार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अब कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं, जिसके बाद आरसीपी सिंह की इस खाली जगह को कौन भरेगा इसको लेकर बिहार में चर्चाएं शुरू हो गई थी, जिसके बाद से ही लगातार उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आ रहा था, जिसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही सामने आकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह है और इसमें कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान के बयानों पर भी कहा कि वो क्या बोलते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने बीते दिन सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कौन तेजस्वी, कैसा तेजस्वी, जिन्होंने कोरोना काल में एक भी दिन सड़कों पर नजर नहीं आए हैं, जिनका विरोध उनके ही क्षेत्र में लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में युवाओं को रोजगार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर 2 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार जवाब में राजद के मनोज झा ने कहा है कि मंत्री जी जाकर अमित शाह और मोदी जी से पूछे कि आखिर कौन है तेजस्वी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 170 सदस्यीय दल के साथ समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के लिए वास्को डिगामा यूरोप से 1497 में रवाना हुआ था। ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में शांति की घोषणा आज के दिन की थी। भारतीय संविधान में सुधार के लिए वांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड रपट 1918 में प्रकाशित की गई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में विश्व की सबसे बड़ी नहर पंजाब की भाखड़ा नंगल पर जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की थी। भारतीय मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु का जन्म 1914 में आज के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान सौरभ गांगुली का जन्म 1972 में आज के दिन हुआ था। भारत के नवे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का निधन 2007 में आज के दिन हुआ था। शिफाली वर्मा और स्नेह राणा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए हुई नॉमिनेट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा और ऑलराउंडर स्नेह राणा को जून महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा बुधवार को घोषित लिस्ट में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। राणा और शिफाली के अलावा इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन को नॉमिनेट किया गया है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए ड्वेन कॉनवे और काइल जैमिसन और क्विंटन डीकॉक को नॉमिनेट किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय वुमेन्स टीम की ऑलराउंडर स्नेह राणा ने ब्रिस्टल में टेस्ट डेब्यू किया था। स्नेह राणा ने 154 गेंदों में नाबाद 80 रनों की पारी खेली थी और भारत को हार से बचाया था। दुनिया को अलविदा कहने वाले दिलीप कुमार आए थे बिहार। बीते दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए शोक भरा दिन रहा। बॉलीवुड को नए मुकाम तक पहुंचाने वाले दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दिलीप कुमार को लेकर मुंगेर वासियों के दिल में आज भी एक खास जगह है, क्योंकि एक समय था जब दिलीप कुमार मुंगेर आए थे। 1966 से 67 के दौर में दिलीप कुमार पीड़ पहाड़ी पर फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहां आए थे। उनको देखने के लिए शूटिंग के लोकेशन पर कई लोग जमा हुए थे। जानकार बताते हैं कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री स्वर्गीय नरगिस दत्त मां जदनबाई मुंगेर में नृत्य सिखाती थी। मुंगेर के राजघराने में नृत्य संगीत कार्यक्रम में भाग लेती थी। पीर पहाड़ी के उस महल में भी आना जाना लगा रहता था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,970 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,970 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 102.74 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.31 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है केशव केशरी, शंकर मुखिया, रवि पासवान, ललित कुमार, पंकज कुमार, मुन्ना परदेसी, फुलेंद्र कुमार, मोनिका कुमारी, शंभु कुमार, दिव्यांशु कुमारी, गौरव यादव, कृणता गुप्ता, रघुनाथ प्रसाद, व्रजमारी कुमार, भरत प्रसाद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। 12 जुलाई से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार की शुरुआत के बाद क्या यह आमजनों के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।